दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल पेट्रोल व डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों से हर कोई परेशान है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल व डीजल कैसे बनता है और पेट्रोल व डीजल पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपको पेट्रोल व डीजल पर देना पड़ता है एक भारी भरकम टैक्स। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट्रोल व डीजल कहाँ से आता है। पेट्रोल व डीजल बनता है क्रूड ऑयल से, और ये क्रूड ऑयल आता है अरब देशों से। वैसे तो हमारे देश में भी कच्चा तेल मिलता है, पर वह कच्चा तेल हमारी सारी आपूर्ति पूरी नहीं कर सकता, इसलिए 80% क्रूड ऑयल हमारे देश को बाहर से लेना पड़ता है, और ये क्रूड ऑयल हमें खरीदना पड़ता है अरब कंट्रीज से, जो कि मिलता है बैरल में, यानी कि एक बैरल में होता है 159 लीटर। हमारे देश में बड़ी बड़ी रिफाइनरी कंपनीज क्रूड ऑयल को आयात करती हैं, जिस पर उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है 0.32 पैसे के लगभग। तब ये रिफाइनरी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल व डीजल को अलग कर लेती है, जिस पर इसका खर्चा आता है 8 या 9 रुपये के लगभग। ये सब खर्चा ऐड होने के बाद इस पर ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, यानी कि एक्साइज ड्यूटी। सबसे ज़्यादा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो कि होता है 32 या 33 रुपये के लगभग। इसके बाद लगता है इसमें डीलर का कमीशन, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ETC, जो कि लगभग होता है 3 या 4 रुपये के करीब। और फिर इस पर ऐड होता है राज्य का टैक्स, यानी कि VAT, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि होता है 19 या 20 रुपये के लगभग। वैसे तो ये टैक्स अलग स्टेट का अलग होता है, और ये सभी टैक्स और खर्चा ऐड होने के बाद फाइनल डिसाइड होती है हमारे पेट्रोल व डीजल की प्राइस। वैसे तो क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में घटते या बढ़ते रहते हैं, कभी कभी ये बहुत ही कम हो जाते हैं, पर फिर भी हमारे देश में पेट्रोल व डीजल के रेट पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनका रेट कुछ ज़्यादा कम नहीं होता। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में क्रूड ऑयल का प्राइस 28.84 रुपये पर लीटर था, और पेट्रोल का प्राइस इंडिया में 77 रुपये के करीब था, जो कि क्रूड ऑयल का 3 गुना था। मार्च 2020 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस 15 रुपये के करीब था, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल 72 रुपये के करीब बिक रहा था, जो कि क्रूड ऑयल का 5 गुना था। अप्रैल 2020 को क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी कम हो गया था, यानी कि 9 रुपये के लगभग। तब भी हमारे देश में पेट्रोल का दाम 72 रुपये के करीब था, जो कि क्रूड ऑयल का 8 गुना था, यानी कि पेट्रोल व डीजल का रेट कम करने के बजाय कॉर्बेट ने उस पर अपना टैक्स और बढ़ा दिया, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा हुआ। जनवरी 2021 में क्रूड ऑयल का प्राइस 25 रुपये के लगभग था, और हमारे देश में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये के लगभग थी, जो कि क्रूड ऑयल की 3 गुना थी। अगर पेट्रोल व डीजल GST के अंडर आ गए तो इन पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स कम हो जाएगा, और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी, पर सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। GST के अनुसार टैक्स की दरें 0, 5, 12, 18 और 28% है, यानी कि पेट्रोल व डीजल पर 18% लगने के बाद भी इस पर 3 या 4 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो पेट्रोल हम 80 या 90 रुपये का ख़रीद रहे हैं, वो फिर हमें पड़ेगा 45 या 46 रुपये का। अगर पेट्रोल व डीजल पर 28% की दर से टैक्स लगता है तो पेट्रोल का प्राइस होगा 50 या 52 रुपये, जो कि बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि पेट्रोल व डीजल GST के अंडर आए और इन पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स कभी ख़त्म हो, क्योंकि इस भारी भरकम टैक्स की बदौलत सरकार अपना सरकारी खजाना भरती है, तो वह पेट्रोल व डीजल को कभी भी GST के अंडर नहीं लाएगी।